दीदी चले, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हेलो, 5 मिनट दीजिए, पहुंच रहा हूं मैं। ओके ओके ओके, प्रेजेंटेशन ग्राफ ऑफ सब सब रेडी है, सब फाइल्स भी रेडी है। आकाश ठीक है। दीदी दीदी, अरे यार पैसे देके जाओ। आकाश आकाश दीदी, आकाश दीदी, दीदी दीदी, क्या कर रहे हैं आप? मुंबई शहर है, कितनी गाड़ी आती जाती है, कुछ हो जाता अभी आपको तो। आइए। मैंने अभी आकाश आकाश को देखा, तुम्हारे जीजू, वो देखो वो उस बाइक पे थे। दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? चीजा जी का देहांत हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है। नहीं, मैंने देखा है उन्हें, वो आकाश ही थे, मैंने देखा है। दीदी आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। कई दफा हमारे साथ भी ऐसा धोखा हो जाता है, तो एक सी दिखने वाली शक्लों में हम फर्क नहीं कर पाते हैं और सामने वाले को वही समझ बैठते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। लेकिन क्या 2 इंसानों की शक्लें हूबहू एक जैसी हो सकती है? गोरखपुर की शगुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शगुन के पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन एक दिन मुंबई में हूबहू उसके पति की शक्ल का एक आदमी उसके सामने था। आखिर वो उसे अपना पति क्यों मान रही थी? क्या ये उसका वहम था? क्योंकि शगुन के भाई गौरव के मुताबिक शगुन के पति आकाश को गुजरे 2 महीनों से ज्यादा हो चुके थे। आखिर क्या हुआ था शगुन के पति के साथ, क्या थी पूरी असलियत, आइए देखते हैं। ये पराठे खाओ, ये पराठे विभा ने बनाए। ये देखो, ये छोले भी। शगुन तेरा चश्मा कहाँ है? कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हंस क्या रहे हो, मेरा चश्मा कहाँ है? क्योंकि ना आंखों के साथ साथ आपकी याददाश्त भी चली गई है। ओके ओके, थैंक यू। जीजू नाश्ता तो आराम से कर लीजिए, काम बाद में कर लेना। गांव के कुछ दबंग लोग पंचायत की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और तुम तो जानते हो गांव वाले कितना भरोसा करते हैं मुझ पर। मैं उन्हें ऐसे निराश नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज अपनी बिजनेस की बात मत करो। और तुमको पता है गौरव ने ना विभा के नाम का टैटू बनाया है। बहुत बढ़िया, क्या बात। तुम भी बनाओ ना मेरे नाम का टैटू। टैटू? टैटू का क्या करेंगे, तुम्हारा नाम तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। दिल पे लिखा हुआ नाम थोड़ी ना किसी को दिखता है, हाथ पे लिखा हुआ नाम कम से कम लोगों को दिख तो जाता है। दीदी इज राइट, जो दिखता है वही सही है। अच्छा, हाथ पे ठीक वैसे ही जैसे इसने बनवाया, कुछ ऐसा? दीदी जीजू और इन्होंने ये टैटू साथ में बनवाया था, जीजू सिर्फ आपका रिएक्शन देखना चाहते थे इसलिए पहले नहीं बताया। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। जीजू हम चलते हैं, आप नाश्ता करो या जो करना है करो, हम चलते हैं। चलो कितना खाओगे, चलो। अच्छा जीजू चलो, बिजनेस पे ध्यान देना। जीजू आप भी। वैसे वो टैटू असली है ना? नकली है, बिल्कुल असली है। अब ये मेरे मरने के बाद ही मिटेगा। आपसे कितनी बार कहा है कि मरने वरने जैसी बातें मत किया करो। आज से मरने वरने की बातें बंद, तुम जैसा कहोगी सही होगा। शगुन मैं जा रहा हूँ, शाम को शायद लेट हो जाएगा, वेट मत करना मेरी।
क्या चाहते हो? आकाश, आकाश, ले पकड़ो इसे। छोड़ो। जितेंद्र शुक्ला नाम है हमारा। पंचायत की जमीन के केस में वकील ना बन, छोड़ दे उस केस को, नहीं तो ये जो तुम्हारी छाती पर वार किया ना, दूसरी बार सीधा तुम्हारी गर्दन पर होगा, समझे? दुनिया छुड़वा देंगे हम तुम्हारी, ऐसी मौत मारेंगे ना कि दूसरी बार हमारे खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं करोगे, समझे? मैं तुझसे डरता नहीं। अगर तेरी धमकी से डर रहा होता ना, तो तेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होता मैं, समझा? तो ये मौत की धमकी तू किसी और को देना, मुझे नहीं। और रही बात गांव वालों की जमीन की, तो उस पर सिर्फ गांव वालों का हक है, और किसी भी कीमत पर हम तुझे उस जमीन को हड़पने नहीं देंगे। संत विचार हैं आपके पति के, दूसरों की भलाई के चक्कर में खुद की भलाई भूल गए। संतों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं, समझाइए इन्हें, नहीं तो जाएंगे दूसरी दुनिया में। चलो रे, छोड़ दो रे, चलो। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था ना उनके खिलाफ केस से लड़ना। किधर धमकी है? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग मेरा। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाके इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अब पुलिस छोड़िए, आप अभी मेरे से डॉक्टर के पास चलिए। मुझे कोर्ट के लिए लेट हो रहा है, तुम एक काम करो, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, ये मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। मामूली नहीं है ये, ये बहुत गहरा जख्म है, इस पे डॉक्टर लगाने पड़ेंगे। अब चलिए, अब अभी चलिए मेरे से डॉक्टर के पास चलिए। ओके ओके फाइन, तुम पहले रोना बंद करो। चलो। आकाश सक्सेना ईमानदार होने के साथ साथ बेहद साहसी भी था। हमेशा सच का साथ देने और झूठ के खिलाफ खड़े होने से वो कभी नहीं घबराया। आज भी उसने जो किया बिल्कुल सही किया। आकाश का मानना था कि अगर वकालत के पेशे से जुड़े उस जैसे लोग जितेंद्र शुक्ला जैसे गुंडे बदमाशों से डरने लगेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आकाश की पत्नी शगुन ने हमेशा हर बात में उसका साथ दिया था, लेकिन जब से जितेंद्र शुक्ला उनके घर आकर आकाश को धमका कर गया था, शगुन के मन में डर बैठ गया था। वो नहीं चाहती थी कि आकाश जितेंद्र शुक्ला के खिलाफ केस लड़े, क्योंकि उसे डर था कि जितेंद्र आकाश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। क्या शगुन का डर सही था? क्या जितेंद्र शुक्ला सिर्फ कोरी धमकी देकर गया था, या वो वाकई अपनी इस धमकी को किसी अंजाम तक पहुंचा सकता था? दीदी अब टेंशन मत लीजिए ना, कहीं फंस गए होंगे जीजाजी, आ जाएंगे। वो कभी इतनी देर नहीं लगाते, और मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। दीदी हो सकता है फोन ऑफ हो गया हो, या कोई और प्रॉब्लम हो गई हो। अरे पर फोन ऑफ हो गया होगा तो किसी और के फोन से फोन करके भी इन्फॉर्म कर सकते थे ना। मुझे लगता है हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। हेलो, ये आकाश सक्सेना के घर का नंबर है जी, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर सतीश वर्मा बोल रहा हूँ, कोर्ट रोड से। एक बुरी खबर है। दीदी, दीदी कौन था? हेलो हेलो दीदी, क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ।
क्या हुआ? कौन था? आकाश, क्या हुआ जीजू को? दीदी, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी बोलो क्या हुआ? दीदी, दीदी, दीदी। हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी बात? हेलो। आकाश। इनके ऊपर केमिकल से हमला हुआ है, इनकी शक्ल पूरी तरह खराब हो गई है, इन्हें पहचानना मुश्किल है। इनके पास से कुछ एविडेंस मिले हैं, देखिए तो, घड़ी मिली है, ये पर्स देखिए, इसमें आई कार्ड भी है, अब जानते ही नहीं। और ये मोबाइल भी इनकी जेब से मिला है। दीदी, दीदी, जितेंद्र शुक्ला ने किया होगा, उसी ने अपने घर को धमकी दी थी। तूने यहाँ बोल, मैं पूछता हूँ क्यों मरवाया? मेरे बीच में जो टांग अड़ाएगा ना, उसे मार डालूंगा मैं। हम पर आरोप साबित नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर, मैंने अपने हाथों से नहीं मारा उसे। जाओ, किसने मारा उसे पकड़ो। आरोप साबित नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मारे मार अच्छी तरह से छुड़ाई कर। जिस बेरहमी के साथ ये हत्या की गई थी, उससे साफ जाहिर था कि ये किसी बेहद खतरनाक मानसिकता वाले अपराधी का काम है। और जितेंद्र शुक्ला ऐसा ही एक अपराधी था, और वो आकाश को धमकी देकर भी गया था। लिहाजा शगुन अपने पति की मौत के लिए उसे ही दोषी मान रही थी। और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो जितेंद्र शुक्ला ने आकाश की हत्या करवाने की बात कबूल भी की। इधर पति की मौत के बाद शगुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। देखो शगुन बीमार नहीं है, दरअसल वो अभी भी अपने पति के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। मेरे ख्याल से आप उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट? क्योंकि यहाँ साइकेट्रिस्ट अच्छे हैं नहीं। मेरे एक दोस्त है मुंबई में, आप कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मेरे दोस्त का फ्लैट है मुंबई में, खाली पड़ा है, हम उसके फ्लैट में रह लेंगे। तो आप इन्हें फौरन वहाँ ले जाने की तैयारी कीजिए। जी, ओके, थैंक यू। दीदी चले, ट्रेन का टाइम हो रहा है।
दीदी आओ, दीदी आप बैठिए, मैं आता हूं। तुम्हारे पति तो जिंदा दिल इंसान थे, उसका असर तुम पे नहीं हुआ क्या? इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हारा भाई कह रहा था कि तुम्हें मुंबई का शोर और भीड़ पसंद नहीं। देखो जल्दी ठीक हो जाओ, जो दवाइयां मैं दूंगा उसे टाइम पे खाना। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें मुंबई से जाने नहीं दूंगा। तुम लोग ये कोशिश कर रहे हो कि वो अपने पति के मौत के सदमे को भूल जाए, और उसके लिए तुम लोग उसके सामने कभी भी उसके पति का जिक्र नहीं करते, राइट? जी। लेकिन वो उसे ऐसे नहीं भूल सकती। उसके लिए जरूरी है कि जितना हो सके तुम उसके सामने उसके पति के बारे में बातें करो और उसके अच्छे दिनों के बारे में बातें करो। ओके ओके डॉक्टर साहब। मिनट दीजिए, पहुंच रहा हूं। ओके ओके ओके। प्रेजेंटेशन ग्राफ ऑफ सब रेडी है, सब फाइल्स भी रेडी है। आकाश ठीक है। दीदी दीदी, अरे यार पैसे देके जाओ। आकाश आकाश दीदी आकाश दीदी 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 क्या कर रहे हैं आप? मुंबई शहर है, कितनी गाड़ी आती जाती है, कुछ हो जाता अभी आपको तो। आइए। मैंने अभी आकाश आकाश को देखा, तुम्हारे जीजू, वो देखो वो उस बाइक पे थे। दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? चीजा जी का देहांत हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है। नहीं मैंने देखा है उन्हें, वो आकाश ही थे, मैंने देखा है। दीदी आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैंने उस बाइक का नंबर देखा है, मैं जाके पुलिस पे कंप्लेन करूंगी। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। आप मेरे साथ चलिए। नहीं दीदी। हाँ वर्मा जी, बस यही पूछना था आपसे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर दोबारा आपको फोन करता हूँ। धन्यवाद मैडम। गोरखपुर पुलिस से हमारी बात हुई, आपकी पति की हत्या 2 महीने पहले हो चुकी है और उनके हत्या के आरोप में किसी जीतू शुक्ला पर केस भी चल रहा है। उसने पुलिस के सामने कबूल भी किया है कि उसने आपके पति को मरवाया है, और आप लोग गोरखपुर में लाश की शिनाख्त भी किया, उसे जलाया भी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? सर वो लाश का चेहरा केमिकल की वजह से पूरी तरह से खराब हुआ था, इसीलिए पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जो चेहरा मैंने देखा वो मेरे पति आकाश का ही है। आप प्लीज उस बाइक के नंबर का पता लगाइए ना। अगर वो आपके पति है और जिंदा है तो फिर आपके पास आते क्यों नहीं? आप ये सब फालतू के सवाल करने की बजाय मेरी मदद क्यों नहीं करते? आपको क्या लग रहा है, पागल हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ मैं? बोलिए बताइए। दीदी दीदी सर एक मिनट, दीदी आप हाल आराम कीजिए, मैं समझाता हूँ, अब जाइए प्लीज। सर आई एम रियली सॉरी सर, आप प्लीज सर उस आदमी को ढूंढ दीजिए, मेरी बहन की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है सर, उनका साइकाइट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा है, उनके कहने पर ही मैं दीदी को मुंबई लेकर आया हूँ। उस आदमी को ढूंढना आपके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं सर, बाइक का नंबर ऑलरेडी आपके पास है सर, प्लीज आप उस आदमी को ढूंढ दीजिए, मेरी बहन का वहम दूर हो जाएगा सर। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर।
जी देवेंद्र सिंह का घर यही है। जी कहिए। आकाश, अरे मैं कब से सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जिंदा हो, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। देखिए देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें ना ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और तुम्हें किसी से छुपने की भी जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति है और इनका नाम आकाश नहीं देवेंद्र है। जी नहीं, ये मेरे पति है, आकाश सक्सेना। क्या ये? मैं ना अभी साबित करती हूँ। इनके हाथ पे ना एस नाम का टैटू बना हुआ था। एक सेकेंड। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं मिल सकता था। अरे छोड़िए दीदी। दीदी ये जो नहीं है, इनकी बस शक्ल मिलती है जीजा जी से। नहीं, ये मेरे पति आकाश है, तुम्हारे जीजू। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपसे कहा ना ये आपके पति नहीं है, ये मेरे पति है देवेंद्र। जी दीदी, ये जीजू नहीं है, आप चलिए। एक मिनट, इनकी छाती पर ना एक चोट का निशान था, मैं अभी सबको बताती हूँ। एक सेकेंड, क्या कर रही हैं आप? आपसे कहा ना ये आपके पति नहीं है, आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा? और कोई चोट का निशान नहीं है। नहीं, ये मेरे पति आकाश सक्सेना है, मैं अभी सबको बताऊंगी। छोड़िए, नहीं आपसे कहा। नहीं छोड़िए, छोड़िए ना, आकाश ही है, मत कीजिए। मैं अभी सबको साबित कर देती हूँ। आपके पास कोई आईडी प्रूफ है? एक सेकेंड, दिखाइए। ये भी आप यहाँ कितने सालों से रह रहे? जी हम यहाँ करीब एक साल से। इससे पहले मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स की जॉब करता था, उसके बाद जब से कंपनी की जॉब करने लगा तब से हम यहाँ रहने लगे। और हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हाँ ओके, सॉरी फॉर ट्रबल। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। दीदी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो देवेंद्र है, वो जीजा जी नहीं है, वो आकाश ही है। तुम मानो मेरी बात। दीदी उस आदमी की बस शक्ल मिलती है जीजा जी से और कुछ नहीं मिलता। दीदी जीजा जी बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे, देवेंद्र बिना चश्मे के अखबार पढ़ रहा था, चश्मा नहीं लगाता देवेंद्र। और टैटू, जीजा जी के हाथ में टैटू था, देवेंद्र के हाथ में नहीं है। दीदी वो टैटू परमानेंट है, जीजा जी ने मेरे साथ बनवाया था। दीदी जो लाश हमें मिली थी उसके हाथ में टैटू था, वहां पर गाड़ी जीजा जी की खड़ी थी, सारे आइडेंटिफिकेशन जीजा जी के ही थे, आईडी पर्स घड़ी सब जीजा जी के थे। दीदी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने कहा है आप बस जीजा जी की कल्पना कर रही हैं बस। मैं आकाश की कुछ ऐसी आदतें जानती हूँ जिससे ये प्रूव हो सकता है कि वो देवेंद्र नहीं वो आकाश है। जैसे आकाश हमेशा अपना सामान फैला कर रखते थे, उनकी घड़ी हमेशा 24 आवर्स पे सेट रहती थी, और उन्हें बीपी की भी तो प्रॉब्लम थी ना, वो रोज बीपी की दवाइयाँ खाते थे। प्लीज प्लीज तुम मुझे एक और बार वहाँ उस घर में ले चलो। बस दीदी बस, हम ऐसे किसी को बेकार में परेशान नहीं कर सकते। दीदी मैंने फैसला कर लिया है, हम घर जा रहे हैं, मैं आज ही टिकट करवा रहा हूँ और आप मेरे साथ घर चल रही हैं बस। यार मुझे कल की टिकट चाहिए बस, एनी हाउ सीजन चल रहा है तो मैं क्या करूं। मैंने तो उससे कहा ना कि मुझे कल की चाहिए, तो बस कल की चाहिए। तुझे जितने पैसे चाहिए तू बोल, मैं दे दूंगा, लेकिन तू मुझे कल की टिकट करके दे बस। मुझे परसों की नहीं चाहिए, मुझे कल की ही टिकट चाहिए, कल ही निकलना है मुझे मुंबई से।
यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं आप? देखिए क्या चाहिए आपको? मैं नहीं जानती कि तुम आकाश को कैसे और कब मिली। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरे पति है। ये देखो, ये देखिए। देखिए मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ। मानती हूँ कि आपके पति मेरे पति जैसे दिखते थे, लेकिन ये आपके पति नहीं है, ये मेरे पति है देवेंद्र। आप समझने की कोशिश कीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब, अभी दिखाती हूँ। क्या क्या कर रही हैं आप? बेडरूम कहाँ है तुम्हारा? क्या बेडरूम कहाँ है तुम्हारा? क्या बोल रही हैं आप? अरे कहाँ जा रही हैं आप? आप चाहती क्या है? कैसे रूम इतना साफ कैसे हो सकता है? कोई भी सामान नहीं फैला हुआ है। दवाई, आपकी दवाई का डब्बा कहाँ है? हो सकता है दीपी की एक भी दवाई नहीं है। देखिए आपने सब देख लिया है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके पति करते थे। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूं उनकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। आइए आइए। आकाश, पूजा, डोंट वरी, ओके? आकाश मेरी बात सुनो प्लीज। सर, हाँ, लेकर चलो। चलो आकाश, आकाश मेरी बात सुनो। चलिए चलिए आप, चलो प्लीज। शगुन अब तक यही मान रही थी कि वो देवेंद्र सिंह उसका पति आकाश है। उसने अपनी बात को साबित करने की तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम रही। अब कहीं ना कहीं उसे ये भी लगने लगा कि शायद देवेंद्र और आकाश की सिर्फ शक्लें मिलती हैं, बाकी हर बात बिल्कुल जुदा है। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ये नहीं मान पा रही थी कि देवेंद्र सिंह आकाश नहीं है। अब उसके भाई गौरव को लगने लगा कि शगुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लिहाजा वो उसे अपने घर गोरखपुर ले आया। लेकिन गोरखपुर आने के बाद भी शगुन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके जहन में 24 घंटे यही सवाल घूमता रहता कि कहीं देवेंद्र सिंह ही तो आकाश नहीं है। आखिर दो लोगों की शक्लें इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती हैं? कहीं शगुन का शक सही तो नहीं था? दीदी क्यों नहीं मान लेती हैं कि मुंबई में आप जिस आदमी से मिली हैं वो देवेंद्र है? मैं जानती हूँ वही आकाश है। दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी की पत्नी है पूजा, जो 3 से उसके साथ है। जीजा जी के देहांत की काफी समय पहले से, और आप जानती हैं कि जीजा जी आपको छोड़ के कहीं भी नहीं गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी मैं खुद मिला हूँ देवेंद्र से, उससे बात की है। जीजा जी राइटी थे लेकिन देवेंद्र लेफ्टी है, वो सब काम लेफ्ट से करता है। वो लिखता लेफ्ट से है, खाता लेफ्ट से है, उसके हाथ में टैटू भी नहीं है, बिना चश्मे के देख सकता है, पढ़ सकता है। दीदी वो कोई इंसान अपनी एक जिंदगी में इतना कैसे बदल सकता है? दीदी मेरे मना करने के बावजूद भी मुंबई पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की तो यही पाया कि वो देवेंद्र है। दीदी जीजा जी का खून जीतू शुक्ला ने किया है, उसने कबूल भी की है ये बात। दीदी कोई इंसान खून की झूठी बात क्यों कबूलेगा? जीतू शुक्ला पुलिस कस्टडी में है। हाँ दीदी वही होगा। बाकी के पेपर्स कहाँ हैं? सारे पेपर्स मुझे चाहिए 1 के अंदर। लो ढूंढो, समय पे कोई काम नहीं होता। हाँ जी बोलिए। सर मैं वो आकाश की बीबी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या काम? क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे पति के हत्यारे जितेंद्र शुक्ला कौन सी जेल में बंद है? जितेंद्र शुक्ला, उसकी जमानत तो 10 पहले ही हो गई है। क्या आप मुझे उसका पता दे सकते हैं? अनिल जी सर, इन्हें जितेंद्र शुक्ला का पता दे दो। आइए। थैंक यू सर।
आइए। भाई जी आकाश सिद्धि भी आपसे मिलने आई। बोल। पुलिस वालों ने बताया कि आप ही ने मेरे पति आकाश को मरवाया है, क्या ये सच है? हम मरवाना तो चाहते थे उसे, उसके लिए हमने एक आदमी को पैसे भी दिए थे, लेकिन हमारे आदमी ने नहीं मारा उसे, वो साला मार भी नहीं पाया, कोई दूसरा मार गया तुम्हारे पति को। हमें भी बाद में पता चला जिसको हमने मारने के लिए पैसे दिए थे बिना काम के वो पैसे लेकर भागे। जितेंद्र शुक्ला से मिलने के बाद शगुन के मन में कई सवाल खड़े हो गए। क्या जितेंद्र सच बोल रहा था? अगर आकाश को उसने नहीं मरवाया था तो फिर आकाश का दुश्मन कौन था? या फिर कहीं अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए जितेंद्र शुक्ला झूठ तो नहीं कह रहा था? बहरहाल सच जो भी था, शगुन ने जितेंद्र की बात मान ली और उसके मन में ये उम्मीद जाग उठी कि शायद उसका पति आकाश जीवित है, लिहाजा उसने खुद असलियत का पता लगाने की ठानी। मैडम 145 रुपया हुआ। भैया थोड़ी देर रुकना है यहाँ पर। मैडम और कितना देर वेट करूं मैं? 2 घंटे से मीटर चालू है, आपको जाना कहाँ है? बस भैया थोड़ी देर और। भैया अपना ऑटो चालू कीजिए जल्दी। अब वो जो बाइक वाला देख रहे हैं वो, उनका पीछा करना है, जल्दी चलिए। अरे मैडम पैसे तो दो। मुझे आपसे बात करनी है। तुम यहां भी आ गई? देखो तुम जाओ यहां से, मैं यहां पर कोई तमाशा नहीं चाहता, ओके? तमाशा तो तुमने मेरा बनाया है। लोग समझते कि मैं पागल हूँ, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि तुम देवेंद्र हो, लेकिन तुम मेरे पति हो आकाश सक्सेना। आकाश नहीं हूँ मैं और ना ही तुम्हारा पति, मैं देवेंद्र सिंह तोमर हूँ। Do you get that? अच्छा, अगर तुम मेरे आकाश नहीं हो तो तुम्हारी छाती पर चोट का निशान भी नहीं होना चाहिए ना। ये वही चोट का निशान है ना जो जीतू ने तुम्हें दिया था।
पटाखे लगे थे ना, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो आकाश? झूठ नहीं बोल रहा मैं। एक बार कहा ना मैंने आकाश नहीं हूं मैं, कहा ना आकाश नहीं हूं। हाँ मुझे तुमसे बात करनी है आकाश। मुझे कोई बात नहीं करनी। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है आकाश, प्लीज ऐसे मत जाओ। आकाश मुझे तुमसे बात करनी है। आकाश सुनो, आकाश सुनो, नहीं मैं आकाश, आकाश मेरी बात सुनो। मिसेस सक्सेना, आपके अलावा और कोई प्रूफ कर सकता है कि चोट आकाश को ही लगी थी? जी सर, डॉक्टर सिन्हा गोरखपुर में, उन्होंने आकाश की चोट को ठीक किया था। 12 टाके लगे थे उसकी चोट पर, जिसका निशान अभी तक उसके शरीर पर है। सर प्लीज, आप लोग थोड़ी कोशिश करेंगे तो सच सामने आ जाएगा कि आकाश देवेंद्र क्यों बना हुआ है। जल्दी 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 चलो। इधर भागने की तैयारी, कहाँ भाग के जाओगे? हाँ चलो अच्छे से भगाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। चलो अरे चलो, कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है चलो, हमने कुछ नहीं किया। अरे खामखा परेशान कर रहे हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? ये पागल औरत की बात में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको आपको अपने सारे आईडी प्रूफ बता चुका हूँ जो ये साबित करते कि मैं देवेंद्र सिंह हूँ। आपने सारे आईडी दिखाए थे ना, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल पुराने। हमने जांच की है, इससे पहले देवेंद्र सिंह तोमर का कोई वजूद ही नहीं था। और ये तुम्हारी छाती पे चोट की निशान, चल बता जवाब है? मैंने शगुन जी के पति आकाश के फोन रिकॉर्ड चेक किए, जिससे पता चला 2 साल में मिस पूजा और आकाश 200 बार से ज्यादा बात किए। और हैरानी की बात यह है कि जब आकाश मुंबई में होते थे तो मिस पूजा और आकाश दोनों के फोन लोकेशन हमेशा एक जगह होती थी। मतलब साफ है कि दोनों के बीच गहरे संबंध थे। चल सच क्या ये बता, या पूछताछ के लिए तुम्हारी बीवी पूजा को अपने कस्टडी में लो। चल बता। बहुत हो चुका आकाश, मुझे जेल नहीं जाना, सब सच बता दो। करीब 2 साल पहले मैं क्लाइंट से मिलने मुंबई आया था, तभी मेरी मुलाकात पूजा से हुई। हमारी हमारी मुलाकातें कब कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे और इसीलिए एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। पूजा जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं और इसीलिए शगुन से छुटकारा पाना चाहते थे। आकाश ऐसे कब तक सिर्फ 2-3 दिन के लिए मिलेंगे? तुम अपनी बीवी से डिवोर्स ले लो। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आकाश मर जाएगा और देवेंद्र सिंह जिंदा हो जाएगा। सच? हाँ। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने शगुन के भाई गौरव का सहारा लिया। उसे अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, इस वजह से उसे अपने साथ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जीजा जी मेरी मानिए तो एक बार फिर सोच लीजिए, छोटी मोटी बात होती तो ठीक था लेकिन मर्डर? छोटी मोटी बातों के लिए 50 लाख नहीं मिलते गौरव। देखो मामला अभी बहुत गर्म है क्योंकि जीतू शुक्ला ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। हमें इस मौके का फायदा उठाना है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है जीजा जी, आपकी कदकाठी का लड़का मैंने देख रखा है। देखो तुम्हें इस काम को आज रात को ही अंजाम देना होगा। अरे यार सुन, एक मिनट के लिए पकड़, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। अपनी पहचान के सामान तो डालो उसकी जेब में। उसको मारने के बाद
मैंने गौरव की मदद से उसके हाथ में घड़ी बांधी, उसके पॉकेट में अपना पर्स रखा और उसके दाहिने हाथ में टैटू बनाया। जब शगुन ने मुझे मुंबई में देखा तो मैंने गौरव से कहा कि उसकी हर हरकत के बारे में मुझे बताते रहना। मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल होती रही, और तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। ले चलो इन्हें। सर हमें वापस गोरखपुर जाना होगा। चलो चलो। एक मिनट सर। फोन क्यों उठा? दीदी दीदी कहाँ थी आप? कितना परेशान हो रहा था मैं, पर आप फोन भी घर पर छोड़ के गई हैं। आपके पीछे से इंश्योरेंस वाले आए थे, आप जानती हैं जब तक आपके साइन नहीं होंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे। तुमने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की, अपने जीजा के साथ मिलकर इस घिनौनी सी चाल में उनका साथ दिया। जब जब मैं देवेंद्र को आकार साबित करने की कोशिश करती रही, तब तब तुम उसे पहले ही बताते गए ताकि वो सारे सबूत मिटा दे, क्योंकि मुझे कुछ पता ही ना चले। तू हर बार मुझे ये जताता रहा कि वो आकाश नहीं, वो देवेंद्र है। मैं पागलों की तरह तुम्हारी बात पर विश्वास करती रही। क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा, वो भी सब कुछ पैसों के लिए। चलो सारी मौत जेल में करना आप। चलो ले चलो। किसी अपने को खोने का गम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये पता चले कि जिसे हम बेहद प्यार करते हैं उस शख्स ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए एक बेहद घिनौनी साजिश रच डाली है, तो फिर बात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। शगुन ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पति से वो इतना प्यार करती है वो उसे इतना बड़ा धोखा देगा। शगुन के साथ उसके अपनों ने ही धोखा किया था, लेकिन आखिरकार उसे अपने धोखेबाज पति और भाई की असलियत पता चल ही गई। आकाश सक्सेना की दूसरी पत्नी पूजा को पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 203 के तहत 2 साल कैद की सजा हुई। आकाश सक्सेना को एक मासूम अनजान लड़के की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत 14 साल और गौरव को उसका साथ देने के लिए सेक्शन 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अक्सर हम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन अपने स्नेह और प्यार में इतने अंधे भी नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाले का छल कपट भांप ही न सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।